तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग से बोलना था, आप लोग गाइज कुछ इस टाइप से रीडिंग सही में सीखना चाहते हो तो गाइज आप लोग को एक बात बता दूँ, इस वाली वीडियो को पूरा वॉच करना होगा लास्ट तक, जब ही आप लोग कुछ इस टाइप से रीडिंग सीख पाओगे। एंड बात कर लो ओरिजिनल फोटो की, गाइज देखना चाहते हो तो देख लो कुछ इस टाइप से ओरिजिनल फोटो है एंड कितनी बेकार लग रही है। तो गाइज यही फोटो की मैंने जो एडिटिंग करी है आज की वीडियो में, तो गाइज आज की वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर वॉच करते हो पूरी वीडियो तो स्टेप बाय स्टेप इस टाइप की रीडिंग सीख जाओगे जो मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। तो गाइज क्या इस टाइप की रीडिंग सीखना है तो आ जाओ, सब कुछ बताता हूँ इस वाली वीडियो में, पूरा वॉच करो लास्ट तक देखो सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में नया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज लेटेस्ट वीडियो के लिए। एंड आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी ओरिजिनल फोटो को पिक्सार्ट ऐप में लेके आ चुका हूँ। तो गाइज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। एंड एक गुजारिश है गाइज, आज की वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताई है वो काफ़ी बवाल तरीके से वर्क करती है, तो आप लोग पूरा वॉच करना वीडियो को लास्ट तक। एंड टूल वाले आइकन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से अभी आप लोग को एडजस्टमेंट कर लेना होगा। एंड एडजस्टमेंट करने से आप लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोग की जो ब्राइटनेस रहती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। तो क्लियरिटी हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो गाइस क्लियरिटी प्लस करने का सैचुरेशन मिलेगा, सैचुरेशन को भी हम लोग यहाँ पे जस्ट हल्का सा इंक्रीज करते हैं। एंड यहाँ पे हाईलाइट मिलेगा, हाईलाइट को गाइस हम लोग माइनस कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद शेडो मिलेगा गाइस, तो शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करना। एंड इसके बाद आप लोग जो लुक देखना वो काफ़ी बवाल तरीके से रहेगा। तो गाइस इतना स्टेप आप लोग फॉलो कर लेना पिक्सार्ट ऐप में। एंड गाइस यही स्टेप आप लोग को आगे भी ध्यान से देखना होगा एंड आप लोग फॉलो करना वो स्टेप को। यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मेकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। तो गाइस आप लोग को भी इतना करना होगा यहीं से पिक्सार्ट ऐप में, एंड कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देख सकते हो मैं कुछ इस टाइप से लिप्स पे कलर कर रहा हूँ, तो गाइस ये अलग कलर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर ये रख लिया, आपको भी रख लेना होगा। तो गाइज इतना कर लेना, इतना करने के बाद गाइज अभी आप लोग को राइट टिक करना होगा, अलाउ कर देना होगा। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे राइट टिक करने के बाद एंड भाई देख सकते हो आप लोग को मैंने यहाँ पे जो एडिटिंग दिखाई है वो रियल है। तो गाइज आप लोग वीडियो पूरा वॉच करो, आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ इस वाली फोटो को आप लोग सेव कर लेना, अच्छे से एडिटिंग करके दिखाऊंगा गारंटी दे रहा हूँ। एंड आप लोग भी जो बोलोगे वैसी एडिटिंग रहेगी। एंड देख सकते हो गाइज अभी हम लोग ने पिक्सार्ट ऐप से यहाँ पे ऑटोटिक स्केचबुक में फोटो को शेयर कर लिया है सेव करने के बाद। एंड गाइज अभी आप लोग क्या करने वाले हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग होगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हो फेस पे कितने पिंपल हैं, एंड जो हम लोग ने एडिटिंग करी है वो भी आप लोग को इस टाइम शो कर दूंगा। एंड देख सकते हो कुछ इस टाइप से अभी आप लोग को इस टाइप की एडिटिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड तो गाइज अभी आप लोग टूल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना। एंड टूल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइज अभी आप लोग को कौन सा टूल यूज़ करके मैंने कल दिखाया था, तो गाइज ये वाला टूल था, बट आज की वीडियो में आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे रहना एंड ये वाला टूल यूज़ करना, सेटिंग पे क्लिक करना गाइज, एंड स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, स्मूथनेस पे क्लिक करना, एंड फ्लो को चेंज करना, एंड डिस्टेंस को भी चेंज करना। गाइज इतना करो, आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ जो स्मूथिंग रहेगी। तो गाइज ना यूट्यूब पे अभी तक किसी ने इस टाइप की एडिटिंग आप लोग को सिखाया होगा, बस टाइम वेस्ट करके आप लोग का चले जाते होंगे। बट मैं जो बताऊंगा आप लोग को वर्क करने वाली ट्रिक बताऊंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने स्मूथिंग स्टार्ट कर दी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अभी है, उसको छोड़ दोगे तो गाइज आप लोग की एडिटिंग नहीं हो पाएगी। एंड ये वीडियो को पूरा वॉच करो, आगे मैं मिलता हूँ एंड आप लोग को बताता हूँ कैसे एडिटिंग करा जाता है इस टाइप की। गाइज आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर रहे हो ना, एंड देख सकते हो अभी कुछ इस टाइप से मैंने रियल तरीके से फेस को स्मूथ किया, एंड बिफोर आफ्टर आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी तरीके से स्मूथिंग हुई है। एंड अभी आप इस फोटो को सेव करना। तो गाइज यहाँ पे अभी आप लोग को यही फोटो को लाइटरूम ऐप में ऐड करना होगा। एंड इसके बाद गाइज आप लोग को एक पीसेट दूंगा, जो मैंने यहाँ पे कल एडिटिंग करी थी उसी का मैंने पीसेट बना लिया। एंड इसको कॉपी सेटिंग आप लोग यहीं से कर लेना, क्रॉप को छोड़ के एंड इसको कर लेना, राइट टिक एंड बैक अपनी फोटो पे आना एंड पेज सेटिंग कर देना, पेज सेटिंग कर देना। इस वाली पीसेट की लिंक चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोग को दे दूंगा। एंड अभी आप लोग को देख सकते हो इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट हटाने के लिए आप लोग को मास्किंग वाले ऑप्शन को यूज़ करके, ब्रश को यूज़ करके कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना होगा अपने फेस के ऊपर से। एंड देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर जितना इफेक्ट आ रहा था मैंने हटा लिया, एंड फोटो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो, अभी आप लोग आफ्टर देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक है। तो गाइज आप लोग कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो बट मेरी वीडियो वॉच करने के बाद। एंड देख सकते हो ओरिजिनल फोटो कितनी बेकार लग रही थी, अभी आप लोग ने जो एडिटिंग करी है वो नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग। एंड देख सकते हो टाइप की एडिटिंग करने के लिए आप लोग को इतना स्टेप फॉलो करना होगा। आइस के कलर के लिए कमेंट